हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग टाइम, तो अभी सुबह के झाड़ू लग रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर वगैरह ख़त्म हो गए तो लंच बनाना नहीं होता है सुबह सुबह। तो सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर नहाने के बाद ही किचन में जाएंगे, ऐसे होता है। तो पहले जो है बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना पड़ता है, तो फिर जल्दी नहीं हो पाता, मतलब यह काम आराम से हो रहा है आज, नहीं तो थोड़ा जल्दी होता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि छुट्टियां हैं तो आराम से ही सारा काम होता है। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है मंडे, मंडे को मेरा फास्ट होता है, आप सभी को पता होगा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा कि मंडे को मेरा फास्ट होता है। तो सुबह झाड़ू वगैरह लगा रहे थे तब दिखाया था, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नहा लिया, पूजा भी करके आ गए हैं। और आज मैंने देख सकते हैं साड़ी वेयर किया है, साड़ी इसलिए पहनती हूँ मैं मंडे वाले दिन, क्योंकि पूजा करने मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है। तो पूजा वगैरह करके आ गई हूँ, और घर में तो पहले ही कर दिया था। अभी जो है आई हूँ किचन में, सब्जी बना के रख दिया, आटा गूंद के रख दिया है, और अपने वीडियो वगैरह भी देख रही हूँ जिसके देखना होता है फ्रेंड्स के। तो चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और चिप्स के लिए कल फिर से मैंने काट के रख दिया है, मतलब छील के रख दिया, अभी काट के उनको भी फिर से पकाना है। मैं दिखाती हूँ जितने से मैंने काटा है, ये देखिए फ्रेंड्स, इतने आलू मैंने रात में ही काट दिए थे, ये देखिए, ये रात में काटा था। अभी चिप्स बनाना है, तो इनका चिप्स बनाना, और चिप्स बनाने के बाद जो है पकाएंगे। तो आप लोग शायद देखते हैं शेयर कर पाते कि नहीं। तो चलिए सब्जी को पहले हटा लेते हैं। और अभी भी मेरे हाथों में आटा लगा, ये देखिए, क्योंकि आटा भी जो है मैंने हाथ साफ़ नहीं किया, मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं फिर आटा को ये छुटाते हैं। तो ये देखिए जाते हैं, अभी छुटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी खाना वगैरह सारा कुछ बन गया है, और उसके बाद अभी पापड़ भी पापड़ ने चिप्स उबाल रहे हैं जो मैंने पहले रखा था, दिखाते हैं। देखिए चिप्स, और दो भगोने मैं छत पे डाल के आई हूँ, दो दिन बनाए हैं, दो दिन मैंने पापड़ बनाए, दो दिन मैंने चिप्स बनाए, ये दूसरा दिन है चिप्स बनाने का। ये देखो पक जाते हैं, फिर छत पे ले चलती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और दो भगोने मैं छत पे डाल के आई हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले पापड़ आज मैंने, ये देखिए इतने पापड़ मैंने आज फैलाए, ये देखिए, और ये वाले हैं कल के, ये कल जो पापड़ बनाए थे ये नीचे ही सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि सूख गए हैं, एकदम सूख गए हैं। सो फ्रेंड्स, होली की सफाई शुरू हो गई है, तो देख सकते हैं पर्दे वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और पर्दे मैं इस तरह से धुलती हूँ, आपको पता होगा, आप लोगों के साथ पहले मैंने शेयर किया है, वो मिल नहीं रहा मुझे, ऐसे मैं बांध के डालती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो पर्दे मैंने ऐसे बांध दिए हैं, ये देखिए दोनों पर्दे ऐसे छल्ले, ये देखिए ऐसे छल्ले मैंने बांध दिए, फिर डालने से ये छल्ले हटते नहीं हैं। फिर उसके बाद अभी मैं चलाई हूँ, और इधर जो है ये पर्दे निकले हुए रखे हैं, इनको भी धुलना है। तो देख सकते हैं सभी को मैंने बांध दिया है ऐसे, देखिए ऐसे बांध दिया है, ऐसे बांध दिया है, ये ऐसे बांध दिया है, और अभी इनको भी बांधना है। इनके लिए डोरी ढूंढ रहे हैं, डोरी मिल नहीं रही, डोरी मिल जाती है तो ये भी एक ही में, दोनों पर्दे एक ही में बांध देते हैं, फिर धुलते हैं। देख सकते हैं सारे पर्दे मैंने हटा दिए, आज पर्दे की धुलाई होगी, कल साफ सफाई। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हुए शाम के 4:04, क्योंकि इस समय दोपहर में कोई काम नहीं होता, तो आराम ही कर रहे थे, और आधे घंटे के लिए सोए भी थे, आज आधे घंटे के लिए सोए, कल 5 या 10 मिनट के लिए ही सोए थे, उठ गए थे, लेकिन आज सोए हैं, क्योंकि YT का काम थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया था, यानी जो करते हैं वो पूरा हो गया था, मैंने कहा सो लेते हैं थोड़ा सा। आवाज़ भी आप लोगों को लग रही है, मतलब आवाज़ भी आप लोगों को लग रही होगी वैसी नींद वाली। तो अभी तो उठ गए हैं, और उठने के बाद जाते हैं अब चाय बनाते, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, आपको पता है, तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, शरीर में सनसनाहट हो रही है, जिस दिन व्रत रहता है ऐसा ही होता है। तो जा रहे हैं, अभी चाय पीते हैं, फिर शाम की खाने की तैयारी करेंगे, जो भी करना होगा चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर फिर बैठेंगे, टाइम हो ही जाता है फिर खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने काम में लगते हैं। अभी शाम के बजे 5:05 भी मैं किचन में आ गई हूँ, और आज बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि सभी की फरमाइश है खिचड़ी बनाना, तो अच्छा होता है खिचड़ी, जिस दिन बनाना होता है लगता है कोई काम ही नहीं है, तो मुझे खिचड़ी बनाना है। तो चावल वगैरह भी इनके रख दिया है,
और सुबह बनाना है कचौड़ियाँ बनाऊँगी, आलू के पराठे बनाऊँगी, तो उसके लिए इमली की चटनी भी बनाना है, तो उसके लिए मैंने दिखाती हूँ। अभी से ही इमली की चटनी बना के रख दूँगी। ये देखिए मैंने गर्म कर दिया, पहले भिगो दिया था इसको, और क्योंकि एक बार एक दो बार मैं बना चुकी, जब से इमली की चटनी खाई बहुत ही अच्छी लगती है, तब से मैं बनाने लगी हूँ। अभी इसका ये सब निकालना है, गरम किया है, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकालना है, फिर बनाना है इमली की चटनी। अभी इसमें कुछ डाला नहीं है, सिर्फ गरम ही किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो अभी मैं रात में चटनी बना के रख दूँगी, सुबह बनाऊँगी पराठे या तो फिर कचौड़ियाँ, कुछ भी मन करेगा, आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, जो मन करेगा जो खाएंगे। चटनी बना के अभी रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी बना लेती हूँ मैं खिचड़ी सिंपल सी, और किचन देख सकते हैं गंदा है क्योंकि अभी रोटियाँ सेकी गई थी खाने के लिए, तो आटा गिरा हुआ है। तो अभी शाम का खाना बना लेते हैं, फिर साफ करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी शाम का खाना बन गया है, खिचड़ी बनाई है और टमाटर और धनिया की चटनी बनाई है, और इमली की चटनी सुबह के लिए भी बन रही है। और बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इमली में जो निकला हुआ है ये सारा, ये देखिए, ये इसको भी फेंकना है। और इधर ये देखिए, और टमाटर और धनिया की चटनी बनाई थी, बच्चों ने खा लिया, बस हम लोग ही बचे हैं। और मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें खिचड़ी बन गई है मेरी, ये देखिए, ये भी चटनी चढ़ाई है, बन जाती है, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है इमली की चटनी, देखिए ये सुबह के लिए है, सुबह कचौड़ियाँ बनेंगी या पराठे जो भी बनाना होगा बनाएंगे, जो खाएंगे सब लोग। सो फ्रेंड्स, ये रहे पर्दे जो दोपहर में मैंने धुला था, तो सूख गए थे, मैं लेकर यहाँ पे डाल दी हूँ। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो जाते हैं इनको फोल्ड करके रख देंगे, होली के एक दिन पहले ही लगाऊंगी पर्दे, पहले नहीं लगाऊंगी फिर गंदे हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों के साथ देख सकते हैं कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। ये मैंने कपड़े ऐसे ही बांध के रख दिए थे कपड़े में कि इनको बक्से में डालना, और ये देखिए इस बैग में रख दिया था ऊनी कपड़े जितने नहीं पहनने थे, और हस्बैंड को कुछ ढूंढना था, ढूंढने के चक्कर में देख सकते हैं पूरा फैला दिया। ये देखिए बस हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और क्या हम लोग करते जा रहे हैं वो लोग फैलाते जा रहे हैं। अब इसको मुझे समेटना है, खाना बना के आए, अभी खाए नहीं हैं, और ये करना पड़ेगा अभी मुझे, जाते पहले खाना खा लेंगे जाके आराम से, फिर इसको भी बांधना है क्योंकि ये बक्से में डालना है। तो इसको मैंने हटा दिया था कि चलो थोड़ा बहुत काम कम पड़ गया, अब फिर से फैल गया, क्या करें फ्रेंड्स, अभी भी औरतों का ज़माना नहीं आया, देखते हैं कब आता है। ये पर्दे जो है फोल्ड करके मैंने रख दिया, ये देखिए सारे पर्दे हैं होली के, एक काम ख़त्म हो गया साफ़ सफाई का, यानी पर्दे वगैरह सारे धुल गए हैं। और ये देखिए जो कपड़े फैलाए हुए रखे थे उनको भी मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिया है, और इससे बांध देंगे और बक्से में डाल देंगे। फ्रेंड्स क्या करें, बैग वगैरह हैं उसमें लेकिन मैंने निकाली ही नहीं, क्योंकि और भी कपड़े हैं वो जो हैं वो बैग में डाल देंगे। तो इनको ऐसे बांध के और रख देती हूँ उनको भी,